हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम कर रहे हैं जो टॉपिक वो रहेगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, होपफुली आपको जितना भी हम सिखा रहे हैं समझ रहे हो आप लोग उसको ठीक तरीके से। शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आज हम टॉपिक जो चल रहे हैं, और आज होपफुली हमारा जो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक यूँ मान लीजिए, अब तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या प्रॉब्लम आज तक स्टूडेंट्स ने मेरे से झेली हैं वो इसी में आती रही हैं हमेशा से, कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग कंसेप्ट हो गई, थोड़ी सी नई कंसेप्ट हो गई और थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी कर देती है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा इसलिए कोऑर्डिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी पेपर में आता ही है। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या होती है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन को यूँ समझिए कि आपके घर, आपने अगर एक घर बनते हुए देखा है, ठीक है, घर है, उसके अंदर जो रोल आपका सीमेंट का रहता है, सीमेंट क्या कर रही है, ईंटों को सारी चीज़ों को बाइंड करने का काम कर रही है, जो रोल वहाँ पर सीमेंट का रहता है। या इसका एक अगर और एग्जांपल लें तो आपने कोई फूलों की माला देखी है धागे में पिरोए हुए फूलों की, ठीक है, अब वो जो माला में जो रोल धागे का है ना, वो जो धागा काम कर रहा है, थ्रेड काम कर रहा है, या वहाँ जो सीमेंट काम कर रही है, एक्चुअल में वही काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन इसी चीज़ का नाम है जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को उनकी जगह के अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज तरीके से अरेंज कर दिया जाए, सबकी जो जो सबके काम है उनको, सबके कामों को एक तरीके से हारमनी में ले आया जाए, कि कोई किसी के बीच में नहीं है बल्कि सब एक प्रॉपर तरीके से पूरे फंक्शन के रूप में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन मतलब सबका सीक्वेंस और सबका काम, सब कुछ पहले से ऑर्डरली अरेंजमेंट है। सो दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन और बैलेंसिंग, वर्ड कौन कौन से यूज हो रहे हैं देखिए, कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हम कोई भी चीज़ यूँ है, सिस्टम से ना चले ऐसा नहीं है, सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लगा रहे हैं, या हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट, इसके लिए वर्ड यूज कर रहा है, ये भी कर सकते हो बैलेंसिंग, ठीक है, या वर्ड यूज कर सकते हो हार्मोनाइजेशन। ये जब हम कर रहे हैं ना, और किसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन, एक चीज है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन, अगर आपको एक ही फूल पकड़ना है तो उसके लिए धागे की क्या जरूरत है ना, धागे का रोल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपके फूलों का नंबर बढ़ता चला जाएगा, है ना, वो साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, फूलों के साथ कुछ और चीज़ भी आप बीच में पिरो रहे हो तो वहां पर भी रोल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट, बैलेंसिंग, हार्मोनाइजेशन ऑफ वर्क, ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और मेनली दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर रही हूँ, एक मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे सही तरीके की प्रमोशन वगैरह जो है करियर डेवलपमेंट में हेल्प मिले, वो सब चीज़ें एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ है वो भी आगे ग्रो करें, तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट इनटू वेरियस एक्टिविटीज, रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है सिंपली, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग हार्मनी, ऑफ मेकिंग
बैलेंस और यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज. ये जो ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन है, बैलेंसिंग है अलग अलग एक्टिविटीज में, एफर्ट्स में, रिसोर्सेज में, ऑब्जेक्टिव में, ये प्रोसेस की जैसे कि सीमेंट में काम किया कि कहीं पर आपका सीमेंट की हेल्प से हमने ईंटों को ज्वाइन किया, उसी की हेल्प से आपके खिड़की दरवाजे अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो ज्वाइन हुई, सिस्टम का पार्ट बनी. ये जो काम बैलेंसिंग का है, हर एक कोई अपना रोल से सिस्टम से अरेंज करने का काम है, यही है कोऑर्डिनेशन. और एक चीज़ ये समझिए, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है बिल्कुल भी. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पिछले सेशन में किए थे. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप यूँ सोच लीजिए, ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें अगर ये उसको, कि ये बाकी पांचों जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट हैं, बट कोऑर्डिनेशन का वही काम है जो हमारी सोल का होता है. आत्मा निकल जाए, बाकी बॉडी पार्ट जो है उनका मीनिंग ही नहीं रह जाता फिर, है ना. वही चीज़ है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ बॉडी पार्ट. तो वो बॉडी पार्ट नहीं, इट इज़ द सोल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट. असेंस समझ दो ना, सार. जैसे कि फूल में से उसका रस निकाल दिया जाए, उसका रंग निकल जाएगा, उसका जो भी उसका लाइफ है वो ख़त्म हो गई, तो वो कोऑर्डिनेशन का काम रहता है. तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है. इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देर विल बी नो मैनेजमेंट, देर इज़ नो यूज़ ऑफ मैनेजमेंट. हमने कहा था एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन, सॉरी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन इज अगेन जीरो. अगर मैनेजमेंट में से कोऑर्डिनेशन निकाल देना तब भी कुछ नहीं बचेगा. तो कोऑर्डिनेशन एक बेसिक और असेंशियल थिंग है मैनेजमेंट की. और कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जा रहा है यही है टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग. इन चारों में से कोई सा वर्ड यूज कर लीजिए. कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, और दोनों भी एक साथ कर सकते हैं, ब्रिंगिंग, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट, बैलेंसिंग और हार्मोनाइजेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज और रिसोर्सेज और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. ये तो हमारा हुआ इसको डिफाइन करना. इसको डिफाइन अगर करते हुए आप ये समझ सको कि कोऑर्डिनेशन है क्या आपके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी. आज के लिए एक मेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रही हूँ वो है कोऑर्डिनेशन के बारे में. जो ये स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज असेंस ऑफ मैनेजमेंट, असेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इट हैज बीन सेड सो, ये क्यों कहा गया, व्हाई इट से सो सेड सो, कि कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की असेंस है, सार है. अगर मैनेजमेंट में यही नहीं है ना, तो कोऑर्डिनेशन आप यूँ याद करिए कि जैसे आपने कभी देखा हो कोई सूखा हुआ बिल्कुल फूल देखा है, तो वो चीज़ देख लीजिए जो उसमें से वो निकल गया है ना, उसका एसेंस, उसके बाद जैसा वो रह गया वैसा ही कोऑर्डिनेशन हो गया. तो कोऑर्डिनेशन के बिना वैसे ही मैनेजमेंट है. अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रह जाती है मैनेजमेंट के लिए, इसको हम प्रूव करते हैं. बिकॉज इट इज़ नीडेड इन All functions of management, all functions of management. इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि coordination is essence of management. Because it is needed at all level of management and it is needed at all level of management. Level कितने पढ़े थे आपने? याद करिए कितनों को याद आता है. Level हमने तीन पढ़े थे, top, middle और low. ठीक है, ज़्यादा पुराने time पे नहीं पढ़े ना हमने भी. लेवल ये हो गए. फंक्शंस कितने पड़े अभी भी लिखे थे मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग की ज़रूरत है वो सभी फंक्शंस में और सभी तरीके के लेवल पर पड़ती है. आप यूँ समझिए, एक ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में से अगर जान निकल जाए तो क्या उस बॉडी पार्ट का कोई यूज़ रह जाता है हमारे लिए? नहीं. वो बॉडी पार्ट वही है लेकिन उसमें से क्योंकि लाइफ निकल गई है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते. सेम मैनेजमेंट के ये पांच फंक्शंस हैं, और ये पांचों ही फंक्शन जो है वो हमारे लिए उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहने वाली है. अब हम प्रूव करते हैं प्लानिंग के अंदर. प्लानिंग हमने किया था कि प्लानिंग है क्या. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू. प्लानिंग इज नथिंग बट टू डिसाइड इन एडवांस. जो भी हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, यही हमारा प्लानिंग है.
अब प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। देखिए डे ड्रीमिंग इज नॉट इज इक्वल टू प्लानिंग। हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उसके पीछे बेस कुछ भी नहीं है। प्लानिंग में और वो शेख चिल्ली के सपने वालों में उन चीज़ों में फ़र्क होता है। प्लानिंग एक पूरे प्लान्ड तरीके से, डेलिब्रेट तरीके से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से करी जाने वाली प्रोसेस है। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए, आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसमें और जितने भी आपके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आपका क्या चाहिए, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कर रहे हो, हम पिछले साल से इस बार सेल्स डबल कर देंगे, लेकिन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, या सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम 10% से ऊपर बढ़ने की कोई उम्मीद में नहीं है, वो प्रोडक्शन 10% तक भी बढ़ने की उम्मीद में नहीं है, सेल्स वाले सेल्स नहीं कह रहे इतनी हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव का कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, ये प्लानिंग का कोई फायदा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं, बैलेंसिंग है ही नहीं, हारमनी है ही नहीं। अगर डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा कर पाएगा, प्लानिंग को सक्सेसफुल हम कैसे कहते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा है आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पर भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जिस हिसाब से आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे। हम ये मान लें आपके ऑब्जेक्टिव आपने मार्क्स में डिसाइड करे हैं, उसके लिए रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस फॉर दैट, उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सो नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन और बैलेंसिंग और हारमनी बिटवीन शुड बी बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। अगर ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तभी भी आपकी वो सिर्फ डे ड्रीमिंग होगी, तभी भी वो आपकी प्लानिंग नहीं होगी। तो प्लानिंग को मीनिंगफुल इफेक्टिव होने के लिए इन दो तरीके का कोऑर्डिनेशन अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी प्लानिंग प्लानिंग होगी, अदरवाइज तो ये वेस्ट एक्टिविटी हो जाएगी। इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सिस्टम ऑफ और फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इस पर जो हमने रिलेशनशिप स्ट्रक्चर तैयार किया था, अलग अलग पोस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप स्ट्रक्चर तैयार किया था, ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हो गई। अब यहाँ पर चीज़ें आती हैं इसी तरीके से, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी भी डिविजन्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जितना भी हमारा टोटल काम है और डिपार्टमेंट है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन चले। एक चीज़ है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी हमने कहा पावर लेने, डिसीजन लेने की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी जो कुछ हो गया उसकी जवाबदेही। अगर इसमें बैलेंस नहीं है, आपने अथॉरिटी तो दे दी ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले की इतनी है ही नहीं, अथॉरिटी का मिस यूज़ होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी दी नहीं, कैसे पूरी करेगा वो, अकाउंटेबिलिटी नहीं डिसाइड करोगे तो आपके रिसोर्सेज अगेन वेस्ट जाएंगे। देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है स्टाफिंग के अंदर, आपके मान लीजिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, स्टाफिंग करनी है, एक हिसाब मान लीजिए रिक्रूटमेंट होता है उसका, आपको लोगों को भर्ती करना है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 CA की ज़रूरत थी, आपने सिर्फ 3 किसी भी तरीके के लोगों को, क्लरिकल लेवल के लोगों को ले लिया, क्या ये स्टाफिंग हो गई? नहीं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वैसी ना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ लोगों को लेकर आना नहीं, जिस तरीके के लोगों की ज़रूरत है उसी तरीके के लोगों को लेकर आना ये स्टाफिंग का पर्पस पूरा करेगा। तो देयर मस्ट बी ए सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट, स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो हम लोगों को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये सैलरी, वेजेस या उनका रेमुनरेशन हम कहते हैं, जो भी वो उनको उनके काम के बदले में मिलेगा उसको रेमुनरेशन कहते हैं। सो रेमुनरेशन मस्ट बी इन हार्मनी विद दी
रेमुनरेशन को किसके हार्मनी में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, वो होना चाहिए उनकी कॉम्पिटेंस के बराबर में। अगर हम लोगों को उनकी योग्यता के बराबर, उनकी एबिलिटी के बराबर नहीं पे कर पा रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, दोनों ही गलत है। कम कर रहे हैं कहीं भी ना कभी वो जॉब छोड़कर चले जाएंगे, काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, अपना 100% अपने काम को नहीं देंगे। और अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हम शायद उनको इनकरेज नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि जब आपको बिना करे अच्छा मिल रहा होता है तो भी बहुत सारे केसेस में आप बहुत अच्छा काम करना छोड़ देते हो। सो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेमुनरेशन एंड ठीक है कॉम्पिटेंस, कि जो भी उन लोगों की काबिलियत है उसके अकॉर्डिंगली हम पे करें। रिक्वायरमेंट और एक्वायरमेंट, हम समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट के सभी फंक्शन में। प्लानिंग में कहाँ ज़रूरत लगी कोई कोऑर्डिनेशन में, प्लानिंग की कोऑर्डिनेशन की, तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स में, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव में और रिसोर्सेज में। यहाँ पर डिपार्टमेंट में और डिवीज़न के कामों में, कि जितना हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, डिवीज़न बनाई हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट में। अब इसके बाद आती है हमारी बात आती है डायरेक्टिंग के अंदर। देखिए डायरेक्टिंग के अंदर अगर कोई मतलब ही नहीं है अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, तो यहाँ पर पहली चीज है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट। देखिए बहुत सारी स्टारकास्ट होती है जो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं करती, एक बार करके वो कहते हैं नहीं करेंगे, वो अच्छे डायरेक्टर है पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। जो चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे, या वो उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कॉपरेशन से ज़्यादा बड़ा कर रहता है कोऑर्डिनेशन। अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेशन में जो है सिंपल सिंपल चीज़ है कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ हारमोनी से बैलेंस से काम नहीं चल कर रहे हैं, तभी भी आपकी डायरेक्टिंग का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस, ठीक है, जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत हो उसी तरीके की इंस्ट्रक्शन नहीं दे जा रही है, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड व्हाट ठीक है व्हाट दे आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड, किस तरीके की ज़रूरत है और किस तरीके की डिलीवर करी जा रही है। आप पूछ कुछ और रहे हैं, सामने वाले कुछ और बता रहे हैं, क्या ये डायरेक्टिंग हो गई? नहीं, देयर मस्ट बी क्लियर कट बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस एंड डिलीवरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। तो डायरेक्टिंग तभी फ्रूटफुल होगी जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, रैपो अच्छा होगा। इन द सेम मैनर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के बीच में बैलेंस होना चाहिए, जैसी ज़रूरतें हैं उसी के अकॉर्डिंग में ये चीज़ें जानी चाहिए, तब डायरेक्टिंग जो है वो मीनिंगफुल हो पाएगी। लास्ट हम जा रहे हैं कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, कंट्रोलिंग में कहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? सो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हम पहले डिफाइन करेंगे, कंट्रोलिंग सिंपली प्रोसेस ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट या प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट आपने रखा हुआ है, आप अपने एक्चुअल को क्लोजर लाकर आ रहे हो, उस प्रोसेस का नाम हमने कंट्रोलिंग कहा। देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड हमने सेट करे हैं उसके बीच में, ऑब्जेक्टिव कह लिए स्टैंडर्ड कह लीजिए, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, और देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेविएशन एंड करेक्टिव एक्शन। देखिए ये चीज मैंने दो लिखी है, एक तो स्टैंडर्ड के अंदर और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। दूसरा है, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में मैं जो बता रही हूँ वो क्या है? डेविएशंस के बीच में और ठीक है करेक्टिव एक्शन। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म होगी, चलिए देखते समझते हैं इनमें क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करे एकेडमिक्स में कि कम से कम हमें 95% मार्क्स चाहिए, कम से कम स्टैंडर्ड हुआ। फिर क्या होता है, किसी पड़ोसी के घर में कोई बच्चा जो है वो किसी स्पोर्ट्स में मेडल ले आता है और वो आकर आपकी पिटाई करना शुरू कर देता है कि आपने आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कहीं नहीं स्टैंड करती, वो बच्चे को इतनी सुविधाएं भी नहीं मिलती और वो मेडल लेकर आया, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड जहाँ डिसाइड कर रहे थे वहाँ तो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते समय आप स्पोर्ट्स की करने लग गए। जिस चीज़ के स्टैंडर्ड डिसाइड करे थे उसी की तो परफॉर्मेंस मेजर करोगे ना। पहले आपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि मेरे को इतनी कॉस्ट के ऊपर, मेरे को जो है 150 की कॉस्ट के ऊपर आपने ये पीस ऑफ शर्ट बनाकर देने हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड हो गए।
फिर बाद में आप प्रोडक्शन मैनेजर के पीछे पड़ जाते हो कि आपने काम की ये क्वालिटी क्यों नहीं रखी, ये इनोवेशन क्यों नहीं करी, ये वाला मटेरियल क्यों नहीं। जैसे स्टैंडर्ड डिसाइड करे थे उसी के अकॉर्डिंग में तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने में और स्टैंडर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन जाएगा ही तो ही कामयाब होगा, ठीक है ना। आपने अगर स्टैंडर्ड किलोग्राम में डिसाइड करे हैं फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आप लीटर में नहीं ले सकते, ऐसे कैसे कंपेयर करोगे कौन कौन सी चीज़ों में। तो एक कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ना कि जिस तरीके के स्टैंडर्ड डिसाइड करे एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उन्हीं टर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आ जाएगा सर, नेक्स्ट है डेविएशन। डेविएशन कहते हैं डिफरेंस को। स्टैंडर्ड डिसाइड किए कि आपको जो है मान लीजिए आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए 90 तो लेना ही है आपने, डेविएशन ठीक है, और फिर 90 से आपके कम आ गए, 85 आ गए, 80 आ गए। अब ये जो 80 और 90 के बीच का डिफरेंस है, 90 ही कहा था तो ये क्या हो गया डेविएशन, डिफरेंस बोल दो आप इसको। डेविएशन है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, दैट इज डेविएशन। अब डेविएशन आ गया कोई बात नहीं, हमें समझ में आना चाहिए कितना डेविएशन आ गया, 5% का, 10% का, वट एवर इट इज, 15% का, जो भी हमारा डेविएशन आया। अब डेविएशन के लिए और करेक्टिव एक्शन, आप उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप करेक्टिव एक्शन लोगे। देखिए फाइनल का रिजल्ट आने के बाद तो अब करेक्टिव एक्शन कुछ लेने के लिए रह नहीं गया, अब इतना ही है कि जो गलतियाँ इस बार हुई फिर मत करना, नेक्स्ट जब भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये गलतियां मत रिपीट करना। लेकिन प्री बोर्ड में तो अभी हमारे पास बोर्ड का रिजल्ट सुधारने के लिए टाइम रहेगा तो वहां करेक्टिव एक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन देखो आपने अपने घर में भी बड़ों को देखा होगा कि कोई बच्चा जो है कोई गलती कर देता है और पेरेंट्स ने कई बार पकड़ के पीट दिया उनको, ठीक है, वहां पर घर के जो बड़े होते हैं दादा दादी जी वो मना कर देते हैं कि मार क्यों रहे हो, जो नुकसान हो गया हो गया। वो एक सिंपल सा मैनेजमेंट का फंडा बता रहा है, व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट इज द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेविएशन एंड करेक्टिव एक्शन। डेविएशन आया कि वो चीज नहीं टूटनी चाहिए थी, तोड़ दी, डेविएशन। करेक्टिव एक्शन मारने के क्या हो जाएगा, आप उसको समझा भी सकते हो ये चीज, मारने से तो उसको लगेगा उसका पाप धुल गया बस खत्म, आगे फिर तोड़ेगा। तो वहां उस करेक्टिव एक्शन के बीच में और डेविएशन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बिना बात के फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो कई बार। तो वहां पर वो ग्रैंड पेरेंट्स इसलिए डांटते हैं कि उनको तो समझ में आ रहा है, उनका एक्सपीरियंस ये बता रहा है देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पनिशमेंट, ठीक है, एंड फॉल्ट, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है दैट शोज ओनली फ्रस्ट्रेशन। सो ये मैनेजमेंट के अंदर कहा कि कंट्रोलिंग के नाम पर आप ये सब मत करना, एक करेक्टिव एक्शन और डेविएशन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय से गलती हुई है तो कौन से तरीके के करेक्टिव एक्शन वो गलती दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। सिर्फ किसी को पनिशमेंट देने के लिए पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, पनिशमेंट का एक पनिशमेंट अपने आप में एक पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए कि इसको देने से अगर किसी का, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आगे की गलती रिमूव होती हो या पिछली गलती ठीक हो जाती हो तो ही उसको देने का फायदा होगा। तो ये हमारा लास्ट हमने प्रूव किया कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत उसके हर फंक्शन में रहेगी। अगर किसी भी फंक्शन में से प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन निकाल दो, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव अपने अपने डिसाइड कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। बिना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के कोऑर्डिनेशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर बैठे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लोगों को ला रहे हो लेकिन वैसे चाहिए ही नहीं, जैसे चाहिए वैसे ला नहीं रहे हो, स्टाफिंग करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो तो दे नहीं रहे हो, फालतू का ज्ञान दिए जा रहे हो, डायरेक्टिंग का कोई मतलब नहीं। सुपीरियर सबॉर्डिनेट एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं, वो आपस में कॉपरेट भी नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन में डायरेक्टिंग बिल्कुल फेल हो जाएगी। इन द सेम मैनर कंट्रोलिंग की हमने बात करी, तो कंट्रोलिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोऑर्डिनेशन ना रहे, या जो भी आपके डेविएशन आए और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया उसमें कोऑर्डिनेशन ना रहे, तो ये भी आपका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आएगा। तो ये हमारी चीज हो गई, हैंस वी कैन प्रूव दैट कोऑर्डिनेशन इज असेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज नीडेड इन ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मीनिंगफुल, कैन बी इफेक्टिव, कैन बी यूजफुल विदाउट हैविंग कोऑर्डिनेशन इन इट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी के किसी भी हिस्से में से जान निकलने के बाद वो बेजान हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, सेम मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में से, पांचों फंक्शन में से कोऑर्डिनेशन निकाल दीजिए, उसका करना या ना करना कोई मायने नहीं रह जाएंगे उसके। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इट इज ऑल्सो नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, टॉप लेवल पर है, आप आज के दिन देखिए आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं
उनके जो मैनेजमेंट में लोग हैं, आज के दिन उनकी जिम्मेदारी है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चेंजेस आए हैं उसके साथ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तैयार करें। डिफिकल्ट टाइम में ही आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलती है कि आपके टारगेट इस टाइम पर भी कौन पूरा कराएगा। ये ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें सभी लॉस करेंगे। बहुत सारी कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं और हमेशा से करती रहेंगी। ये जो टाइम पीरियड होता है डिफिकल्टी वाले, ये गेम चेंजर का रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट इतने अच्छे डिसीजन लेंगी कि वो आने वाले टाइम के लिए बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये जो चीज़ है टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं उसकी तरफ से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर हम बाहर की ज़रूरतों, मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं तैयार कर पाते, नहीं उसके अंदर हम बैलेंस हारमोनी ला पाते, जिस तरीके की हमारे से एक्सपेक्टेशन है हम उस तरीके का नहीं डिलीवर करते, कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन इसमें रखना है, मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन के में रखना है, टॉप लेवल पर जो पॉलिसीज हैं और ऑब्जेक्टिव हैं ये डिसाइड हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है एंड ठीक है उन चीज़ों को काम पर लगाना है। तो यहाँ पर उनको अलग अलग, उसके लिए अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट ना करें, सेल्स मैनेजर फटाफट उसको ये पता चल गया प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही है, रॉ मटेरियल की सप्लाई टाइम से नहीं है, चीज़ें उस स्पीड से नहीं बन रही, फिर भी वो अपना बस अपने अपना रिकॉर्ड अच्छा करने के चक्कर में खूब सारे सेल्स के ऑर्डर लाता रहता है। उसको पता है कि प्रोडक्शन वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर ला दिए टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो गए, मार्केट में रेपुटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने ऑर्डर लेने के बाद टाइम पर डिलीवर नहीं किया। अब आप ये कहते हो मेरी गलती नहीं थी, प्रोडक्शन वाले की गलती नहीं थी। यहाँ पर प्रोडक्शन से ज़्यादा बड़ा गिल्टी जो है वो किस कौन है, सेल्स मैनेजर, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा। सो कोऑर्डिनेशन में मिडल लेवल को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना रहता है ताकि वो जो टॉप लेवल की प्लानिंग है, सॉरी टॉप लेवल की जो भी ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज हैं उनको निभा सके। इसके बाद आता है लोअर लेवल की, लोअर लेवल के अंदर यहाँ पर है इनको तो बिल्कुल ही वर्कर्स के साथ काम करना है, तो वर्कर्स को जो सुविधाएँ हैं वो आपकी हैं, वर्कर्स के लिए भी कोऑर्डिनेशन बिठाना रहता है कि यहाँ पर जो अलग अलग वर्कर्स हैं जो उनको एक्टिविटीज़ असाइन करी हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा रहे। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो काम उनको असाइन किया गया है और जो वो कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, किसी तरीके का डिफरेंस है तो हम उसको रिमूव कर सकें। तो जो भी यहाँ पर ड्यूटीज असाइन हुई हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाना रहता है कि जिस तरीके का काम असाइन हुआ है उसी तरीके से काम एक्चुअल में भी हो भी रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन की आज के दिन हो गई असेंस। बहुत छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए हैं, कल ये हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, नया टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से करिएगा। एक छोटी सी चीज़ है, आज मैं उस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रही हूँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये चीज़ें क्या है। तो कल हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।